दोस्तों देखते हैं अब जो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके चलिए देखते हैं। हम आपको पहले बताएं कि जब भी हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन को और आपके साथ ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और हमने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी को लिख दिया एबीसी। अब क्या कह रहा है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। एक चीज और कह रहा है बीडीसीई के इक्वल है, मतलब बीडी एक पॉइंट यहां पर कोई डी है और एक पॉइंट यहां पे क्या है ई है और इससे इसको हमने क्या किया मिला दिया। ओके अब क्या हो गया बीडी और सीई क्या हो गया इक्वल हो गया। चलिए देखते हैं गिवन, गिवन क्या है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड बीडी इक्वल टू सीई। जब भी लिखेंगे तो हम गिवन को जरूर लिखेंगे और हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है कि डीई और बीसी वो दोनों पैरेलल होगा, मतलब ये लाइन एंड This line segment is parallel to each other. चलिए देखते हैं अब यहां से हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधा चलते हैं प्रूफ की तरफ। और प्रूफ क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी वी नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। Isosceles triangle says that two sides are equal and opposite two base angles are equal. If AB equal to AC, then angle B equal to angle C. And in this question, given that angle B equal to angle C, that means AB equal to AC. क्या होगा? AB equal to AC. Okay. अब AB को लिखते हैं। AB को क्या लिख सकते हैं? AB. Sorry. AD plus DB equal to AC को कैसे लिखा जाएगा AE plus EC, AE plus EC। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है BD equal to CE, BD और CE क्या है equal है, BD और CE क्या है equal है। तो AD plus BD के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं BD या D एक ही बात है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं C equal to AE और EC को भी हम लोग C लिख लेते हैं। यहाँ से C EC कट गया, क्या बच गया AD equal to AE, क्या बचा AD equal to AE। चलिए इसको मान लिए first and given क्या है आपके पास, given क्या है आपके पास, given है BD equal to CE, क्या है BD equal to क्या है CE। ये दोनों equation first and second, equation first by equation second और first by second के लिए that means AD by BD equal to AE by CE। अब देखिए यहाँ पे इसको एक line और arrange कर सकते हैं AD by DB because आपको बताया गया है equal to AE by EC और जब ये हो जाता है तो अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं by converse of Thales theorem। converse of Thales theorem क्या बोलता है कि if a line segment divide two sides in equal ratio then this line segment is parallel to other lines, मतलब अगर एक ट्रायंगल है और D इसको अदर टू ए टू साइड ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिफाइन करता है तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा और यहाँ पे हमने वही देखा है, इसीलिए इसका यूज करते हुए इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि DE जो है वो किसके बी सी के पैरेलल है। ये हमारा हो गया सॉल्व आउट और देखिए हर क्वेश्चन इतना ही आसानी से बनेगा, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, बस अंतर डिफरेंस ये होगा किसी में 5 मिनट लगेगा और किसी में 10 मिनट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार जब आप बना लीजिएगा तो
आपको एग्जाम में आए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में आए या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा, आपका भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, आपका सोल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा।